हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज पर। यहाँ पर आपको जिलेट के रिलेटेड जित वीडियो देखने को मिलेगा। जिलेट में कितने रिमेनिंग सीट्स अवेलेबल है, अभी हमारे जितने भी कैंडिडेट जिलेट की एग्ज़ाम दिए थे वो सारे अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या कट मत करिए, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पीडीएफ को डाउनलोड किया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए सीट्स, ये आपका स्ट्रीम वाइज जो है हमारा अवेलेबल है सारे सीट्स, कितने सीट्स से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OP, फिर उसके बाद OP-PH, OA-PH, ये सारी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर OP का मतलब होता है जनरल कैंडिडेट, जितने भी जनरल हैं उनके लिए ये सीट्स दिया हुआ है, 56, 8, 22, इस तरह से सीट्स है। एंड OP-PH होता है जनरल में जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके। यहाँ पर देखिए, जनरल में फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 सीट्स है। OA एंड OB, यहाँ पर देखिए OA और OB जो है, यहाँ पर OBC के दो क्राइटेरिया हम लोग सभी जानते हैं, एक OBC A होता है और एक OBC B होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो OA है वो है आपका OBC A एंड OB जो है वो है आपका OBC B। देन इसके बाद आप देख सकते हैं OA-PH एंड OB-PH। यहाँ पर PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप आप समझ सकते हैं, जिसके OBC A में फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए ये सीट दिया हुआ है, एंड OB-PH के लिए जो है OBC B के फिजिकल हैंडीकैप का। यहाँ पर देखिए, ये सारे आपके 0-0 सीट्स हैं। इसके बाद आप SC ST एंड SC PH, ST PH भी देख सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप PH का मतलब होता है, ओके। ये सारे सीट्स जो है आपका 0 है, यहाँ पर सिर्फ जनरल के सीट्स दिए हुए हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ जनरल के सीट्स अवेलेबल है। और किस कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, एंड अदर्स और आपके क्वेरीज हो तो उसे भी आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।